खड़ा है और पीछे काम कर रहा है। इसमें क्या होगा, जैसे अभी आप पूछ रहे थे स्पीड, पीटीओ का स्पीड क्या है, थ्रेसर कोई आदमी चलाते हैं? हाँ मैं चलाता हूँ। कितना आरपीएम में? अपन 12-14 लास्ट 14 में आपका ट्रैक्टर बहुत अच्छा चल रहा है, माल भी साफ निकल रहा है, डीजल भी साफ बढ़िया खपत कर रहा है ना, सब कुछ है, इंजन भी स्मूथ। लेकिन यदि 14 से आरपीएम कम करके हम 12 कर दें तो क्या होगा? उसमें एक मिनट सुनिए, उसमें इंजन को भी धक्का पहुंचेगा। धक्का पहुंचेगा, इंजन ओवरलोड होगा, माल भी साफ नहीं निकलेगा। हम सोच रहे हैं कि इंजन आरपीएम कम करके डीजल बचाएंगे, उल्टा वो डीजल ज्यादा लेता है, ज्यादा लेगा। ये जो मल्टी स्पीड पीटीओ है, इसमें आप इंजन का आरपीएम कम करके गियर से स्पीड बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे गियर बढ़ाएंगे वैसे वैसे पीटीओ का स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि ये जो है 48-996 आरपीएम दे रहा है। तो सुनो ना सर, हम लोग तो न्यूट्रल में चलाते हैं ना, अभी जो बाइक अपने पास गाड़ी है वो न्यूट्रल में चलाते हैं, क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं है बाकी किसी के पास। ये जो डायना ट्रक है, डायना ट्रक में उसमें आप क्या करते हैं, जब चलाते हैं तो उसमें पर मिनट 540 चक्कर मिलता है, ये 48-996 आरपीएम दे रहा है। मतलब स्लो से स्लो स्पीड भी और तेज से तेज स्पीड भी आपको सेम आरपीएम पे देगा, ठीक है। अभी